Hi friends and welcome to Career Kul. So I would like to welcome all the parents and all the students जो हमसे जुड़े हुए हैं. जैसे admission season start हुआ है, we are also doing live classes. आप ज़रूर join कर सकते हैं. इसके description में हमने सारे orderly fashion में एक लगा दिए हैं सारे links. तो private universities के links हैं, Comet के colleges के links हैं, UP के colleges के links हैं. तो सारे links हमने लगा दिए हैं, आप वो links देख सकते हैं and get a clear picture of कि इस वक्त कौन से कॉलेजेस कहाँ पे हैं रैंकिंग वाइज और कितना प्लेसमेंट्स दे रहे हैं, कैसी फैकल्टी है एंड कैसा कल्चर है. ठीक है, मेरा नाम है सागर आनंद, मैंने बीटेक किया वीआईटी यूनिवर्सिटी से और एमएस किया टेक्निकल यूनिवर्सिटी ऑफ ड्रेसडन से. इस सारे वीडियोस में टाइम स्टैम्प भी है तो आप आगे पीछे करके देख सकते हैं. अगर आपको कोई स्पेसिफिक चीज़ देखनी है, प्लेसमेंट्स देखना है या फिर हमारी स्पेसिफिक करियर काउंसलिंग टिप्स देखनी है जो हम एंड में देते हैं वीडियो के, तो आप वो भी देख सकते हैं. शुरू में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा. ये हमारी टेबल है जिसमें आप, अगर आपको अपना मीडियन पता है, अगर आपको मीडियन पता है अपने कॉलेज का, तो आप फॉर एग्जांपल कोई भी मीडियन आपको अपने कॉलेज का पता है तो आप एक लमसम देख सकते हो कि आपका कॉलेज कौन से टीयर में आता है. एंड यू कैन लुक इनटू कि हम उनमें 10 लाख के ऊपर का प्लेसमेंट कितने परसेंट बच्चों का होता है, 6 से 10 वालों का कितने परसेंट बच्चों का होता है और लेस देन 6 लाख का प्लेसमेंट कितने परसेंट बच्चों का होता है. बहुत से स्टूडेंट्स इसमें बस ये गलती करते हैं कि दिमाग में ये बैठा लेते हैं कि जो हाईएस्ट पैकेज है वो 40 लाख है. वो ज़्यादातर आपको हर कॉलेज यही मार्केटिंग में दिखाएगा कि 40 लाख का हाईएस्ट पैकेज है, बट ये अच्छा इंडिकेटर तो है नहीं, क्योंकि दिमाग में ये बैठता है कि हम कोई भी कॉलेज लेंगे हाईएस्ट 40 है तो मतलब वो कॉलेज बराबर है. बट इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी, इन टर्म्स ऑफ पीयर मतलब आपके साथ कैसे बच्चे पढ़ेंगे, इन टर्म्स ऑफ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कल्चर या फिर इन टर्म्स ऑफ फैकल्टी इंटर्नशिप्स, सारे कॉलेजेस बराबर डेफिनेटली नहीं है. कुछ कॉलेजेस को ग्रुप किया जा सकता है, तो आप इस टेबल से देख सकते हैं अपने कॉलेज का और एक आइडिया ले सकते हैं. मैं इंट्रो दे दूं, हम लोग का ये सारा टाइम स्टैम्प में होगा, प्लेसमेंट, सिमिलर कॉलेजेस, इंपॉर्टेंट डेट्स, फैकल्टी फीस, आरओआई, कट ऑफ्स, ओवरऑल रिपोर्ट, ये सारा हमारा लगा हुआ है टाइम स्टैम्प में, आप देख सकते हैं. मैं अपनी सर्विसेज के बारे में बता दूं कि हमारी कंपनी जो सर्विसेज दे रही है दैट इज वीडियो कॉल 10 to 45 minutes का, जिसमें आप यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के बारे में या अपने करियर से रिलेटेड क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं. फ़ोन सर्विसेज हैं या इसमें भी वीडियो कॉल हो जाता है, आप यूनिवर्सिटी सेलेक्ट और 30 करियर सेलेक्ट ले सकते हैं 30 मिनट्स का. पर्सनैलिटी टेस्टिंग प्लस करियर काउंसलिंग अगर आपको लेनी है, इन विच वी डू 2 सेशंस जिसमें हम आपको टेस्ट करके ये पता लगाएंगे कि किस तरह के करियर्स आपके लिए सूटेबल हो सकते हैं, फिर उन करियर्स की करियर प्लानिंग आपके लिए कराएंगे, एक रियलिस्टिक प्लान बना के आपको देंगे. तो अगर आप चाहें तो ये भी हमारे साथ जुड़ के ले सकते हैं. बाकी हमारे पास जो मैं आपको सिंसियरली एडवाइस करूंगा कि आप फुल सीजन काउंसलिंग दे सकते हैं, बहुत ही अफोर्डेबल रेट में है. इसमें मल्टीपल सेशंस हैं, तो जब भी आपका रिजल्ट आता है 5-10 बार आप हमसे बात करके, जब भी रिजल्ट आए, नए कॉलेजेस ऐड हो तो आप हमसे बात कर सकते हैं. इसमें हम आपकी चॉइस फिलिंग नहीं करेंगे बट हम आपकी प्रेफरेंस लिस्ट का डिस्कशन करेंगे. चॉइस फिलिंग करानी होगी आपको फुल्ली हमारे से, तो ये एक सेपरेट सर्विस है. तो ये मेरा क्रेडेंशियल्स है, ये हमारी को फाउंडर हैं, इनका क्रेडेंशियल है, यू कैन लुक इनटू इट. ठीक है, लेट अस स्टार्ट विद मणिपाल जयपुर. बहुत से पेरेंट्स हैं जो बात करते हैं बैकअप कॉलेजेस की, तो डेफिनेटली ये वन ऑफ द ऐसा कॉलेजेस है जो बैकअप में तो डेफिनेटली रखना ही चाहिए, बहुत ही अपकमिंग कॉलेज है. तो 2011 में ये एस्टैब्लिश्ड है, तो इसको 10 साल हो चुके हैं, तो एक इन्फेंट स्टेज से ये ऊपर निकल चुका है. प्लस अगर आप इसका कैंपस वगैरह जाके देख सकते हैं, आप देख लीजिए, तो काफ़ी वेल स्टैब्लिश्ड कॉलेज है कैंपस वाइज, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है, और अगर आप इसकी रैंकिंग की बात करें तो 84 पे ये रैंकिंग है इसकी, और तकरीबन 10 साल लगे हैं इसको टू एंटर द रैंकिंग्स. कोई और यूनिवर्सिटी जो फास्टर रैंकिंग में घुसी है तो मैंने देखा है शिवनादर यूनिवर्सिटी है, जो काफ़ी फास्ट रैंकिंग में बहुत जल्दी आ गई थी, नहीं तो ये मैंने नेक्स्ट देखी है जिसको 10 साल ऑलमोस्ट लग गए हैं. इसके बारे में इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि इसका जो काउंसलिंग प्रोसेस है ये काफ़ी ट्रांसपेरेंट है. जब आप काउंसलिंग प्रोसेस में हम पिछले 4-5 साल से देख रहे हैं तो काफ़ी डाउट्स होते हैं स्टूडेंट्स को कि जो कॉलेज है वो हमारे कॉल्स आंसर नहीं कर रहा, हमारे को डाउट्स हैं कि हम कैसे भरेंगे, क्या प्रेफरेंस रहेगा, क्या रिफंड पॉलिसी है. इनका काफ़ी स्मूथ एंड ट्रांसपेरेंट है, नॉट लाइक वीआईटी या एसआरएम जहाँ पे पेरेंट्स एज वेल एज स्टूडेंट्स को काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी लुकिंग इनटू, मतलब कि फैक्ट्स हैं क्या ये देखने में काफ़ी प्रॉब्लम हुई थी. तो ओवरऑल रैंक इसकी जो है 150 to 200 है, इंजीनियरिंग में 84 है, यूनिवर्सिटी में 100 to 150 है,
और मैनेजमेंट 76-100 के बीच में लाई करता है। इसके प्लेसमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। प्लेसमेंट्स अगर आप इनका देखना चाहते हैं, जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने जाना चाह रहे हैं, तो प्लेसमेंट्स इनका एक तो ये है कि सारी वेबसाइट पे इनका लिंक लिस्ट दी हुई है और उसमें हर एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट दिया, तो मैं भी आई जस्ट वेंट थ्रू इट। सो आई फाउंड आउट कि जो इनकी कंपनी की प्रोफाइल्स हैं वो बहुत अच्छी हैं, क्योंकि देखिए ऐसा भी होता है कई जगह ऑफ कैंपस होता है, कई जगह पूल कैंपस होता है। इनका एक तो ये है कि ज़्यादातर ऑन कैंपस ही है, मतलब मणिपाल की रेपुटेशन अच्छी है इसलिए ज़्यादातर कंपनीज ऑन कैंपस लेने आ रही हैं। फिर एक और प्रॉब्लम आती है कि जो प्रोफाइल कंपनी बहुत बेकार आ रही है, तो एक तो ये अच्छा है कि यहाँ कंपनी भी अच्छी आ रही है। फिर तीसरा आता है कि जो प्रोफाइल दी जा रही है वो इतनी अच्छी नहीं है या लो पे है। तो यहाँ पे 75% जो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं वो गुड कंपनीज में हो रहे हैं और एक अच्छी प्रोफाइल के साथ हो रहे हैं। तो आपको चिंता करने की मेरे हिसाब से इसमें ज़रूरत नहीं है कि मैं कॉलेज ले रहा हूँ, मेरे को ये डर लगे कि मेरा प्लेसमेंट होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो बहुत बुरा ना हो, तो इसमें वो प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अगर आप इनकी फैकल्टी को देख रहे हैं, जो हमने एक बार रिव्यू कर लिया, तो फैकल्टी इनकी अच्छी मानी जाएगी, गुड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी को इनको रेट किया जाएगा। इनके केमिकल की फैकल्टी देखेंगे, अगर आपको केमिकल इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है, आप लेना चाह रहे हो, बहुत अच्छी फैकल्टी इनकी IIT से BTech है, BIT से BTech है, MS US से, PhD भी US से, अदरवाइज अदर डिपार्टमेंट्स आपको NIT रॉडकेला है, नेदरलैंड है, SRM है, मतलब काफ़ी अच्छी फैकल्टी मिलेगी जो एक्सपीरियंसड है, जिनको रिसर्च का भी एक्सपीरियंस है। इनकी मीडियम सैलरी लगातार बढ़ती जा रही है, आप देख सकते हो यहाँ पे, तो पिछले 3 साल में ही ऑलमोस्ट जो है 1 लाख का फर्क आ गया है। तो जो लोग इस साल एडमिशन ले रहे हैं, यानी कि जो लोग 2022 में एडमिशन ले रहे हैं या फिर 2023 में एडमिशन ले रहे हैं, तो वो लोग जब पास आउट करेंगे, मतलब ग्रेजुएट करेंगे 2026 या 2027 में, तो आप मान के चल सकते हो इनकी मीडियम सैलरी लमसम मुझे लगता है 6 लाख पर NM के आसपास मीडियम सैलरी हो जाएगी, विच इज़ अ गुड सैलरी, कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। 75% के अराउंड इनका प्लेसमेंट है, 75% के अराउंड प्लेसमेंट है, यही अच्छा माना जाएगा टेकिंग ऑल द कॉलेजेस इनटू कंसिडरेशन। IITs और NITs छोड़ के कहीं पे भी, और BITs को छोड़ के कहीं पे भी 80% के ऊपर बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं जाता है। ठीक है, ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे, पेरेंट्स ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। हम लोग के लाइव सेशंस होंगे वाइल काउंसलिंग पीरियड, जो कि आप मान के चलिए जुलाई से शुरू हो जाता है और दिसंबर तक चलता है, तो हम लोग लाइव सेशंस करेंगे। अपने फैमिली फ्रेंड्स और जूनियर्स को ज़रूर हमारे बारे में बताइए, हमको हेल्प हो जाती है। फ़ी स्ट्रक्चर इनका देख लीजिए, 12.5 लाख के करीब इनकी फ़ी स्ट्रक्चर है, दैट इज़ द ट्यूशन फीस जो इनकी है, दैट इज़ नियरली अराउंड 12.5 लाख, प्लस आप मान के चलिए तकरीबन 10 लाख आप इनके हॉस्टल वगैरह का फीस देंगे, विच इज़ फॉर योर फूड, फॉर योर लॉजिंग, एवरीथिंग। सो दिस विल कम अराउंड 22.5 लाख, अगेन अ लिटल ऑन द हायर साइड, चीपर देन मणिपाल मेन कैंपस, चीपर देन थापर, चीपर देन अदर कॉलेजेस विच आर लाइक विच हैव फीस ऑलमोस्ट अराउंड इट। और VIT से अगर आप कंपेयर करते हो तो VIT में तकरीबन Category 3 के करीब ये फीस इनकी है। अगर इनके कट ऑफ्स के बारे में आपको देखना है, तो एक तो मैं बता दूं, इनके एडमिशन 2 बेसिस पे होते हैं, एक तो क्लास 12 के बेसिस पे भी ये लोग एडमिशन लेते हैं। तो अगर आपके क्लास 12 में अच्छे मार्क्स आए हैं, विच इज़ आप मान के चलिए 85%+ या फिर 90%+ आए हैं, तो आप ज़रूर इनको कॉन्टैक्ट करिए एंड यू कैन सिक्योर अ सीट हियर। और ज़रूर इनसे रिफंड पॉलिसी पूछ लीजिए कि अगर ये आपसे 2 लाख रुपये जमा करा रहे हैं फॉर एडमिशन, तो कब तक ये फीस आपको वापस करेंगे, एंड यू कैन टेक दिस सीट एंड सिक्योर इट। क्योंकि काउंसलिंग में वही प्रॉब्लम होती है कि कॉलेजेस शुरू कर देते हैं काउंसलिंग, पहले थापड़ शुरू करता है, VIT शुरू करता है, फिर मणिपाल शुरू करता है, एंड सो एंड फो फोर चला जाता है, और आखिरी में कहीं जाके, अभी ये 2 साल से ऐसे ही हो रहा है, फिर कहीं आखिरी में जाके जोसा वगैरह की काउंसलिंग होती है, कॉमेट के की काउंसलिंग होती है, और दिल्ली के कॉलेजेस की, जैक दिल्ली के कॉलेजेस की काउंसलिंग होती है, तो उससे पहले ये सब हो जाता है। तो आप लोग को पहले ही सिक्योर कर लेना चाहिए एक एडमिशन। तो अगर आप इनका देख रहे हो, तो इनका कंप्यूटर साइंस जो है 10,000 के करीब है, तो अगर आपकी 10,000 के करीब रैंक है, आई वुड सजेस्ट अगर आपको मिल रहा है आप ले लीजिए। अदर देन मतलब आप ये मत सोचो कि यहाँ मेरी 10,000 की रैंक आ रही है तो फिर मैं क्या करूँ यहाँ पे, मैं देखूँ कि क्या मेरे को कोई और यहाँ पे ब्रांच मिल जाए, फॉर एग्जांपल मेरे को EI मिल जाए, तो नहीं, मैं कहूँगा अगर आपको यहाँ CS मिल रहा है तो आप पहले बोलो, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मेन कैंपस में बात करें, तो कंप्यूटर साइंस, IT, डेटा साइंस
और ईसी, एक, ये दो, ये तीन, ये चार, और फिर कंप्यूटर कम्युनिकेशन ये भी ले लीजिए। तो कहीं ना कहीं आप मान के चलिए अगर आपकी 4000 के ऊपर रैंक आ रही है, अगर आपकी 4000 के प्लस रैंक आ रही है, 4000 के प्लस रैंक आ रही है, तो फिर आप ये कोशिश करो कि हम यहीं पे मणिपाल जयपुर में अच्छी ब्रांच लें, रैदर देन कि हम मणिपाल यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस में लोअर ब्रांच लें। उससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ पे अच्छी ले लूँ। और ये भी कोई बुरा नहीं है, आपको 19,000 तक ऑलमोस्ट यहाँ पे आईटी मिल जा रहा है, डिग्री बहुत अच्छी है, डिग्री बहुत अच्छी है आईटी की कंपेयर टू अदर लोअर ब्रांचेस। जैसे कि अगर आप बात करो मैकेट्रॉनिक्स की या मैकेनिकल की, तो आप मैकेनिकल छोड़ के डेफिनेटली आप मणिपाल का मैकेनिकल छोड़ के आप डेफिनेटली आईटी ले सकते हो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में, वो ज़्यादा अच्छा है। अगर आपको पैसा है आपके पास और आपको लग रहा है कि मुझे MBA ही करना है, तो आप मैकेनिकल भी ले सकते हो एंड यू कैन एंजॉय द कल्चरल लाइफ ऑफ द कैंपस लाइफ ऑफ मणिपाल यूनिवर्सिटी मेन कैंपस। अदरवाइज आप यहाँ पे ले सकते हो। ये चीज़ों के लिए हमें हमेशा फ़ोन आते हैं। तो जितनी भी लोअर ब्रांचेस हैं ये तभी लेना है, इंटरेस्ट हो अगर। आप इसमें ये नहीं सोच सकते कि नहीं मैंने ले लिया है तो अब मुझे एकदम कोर जॉब ही मिले, ये सोचना प्रूडेंट नहीं होगा, मतलब ये सोचना प्रैक्टिकल नहीं होगा ज़्यादा। डू सब्सक्राइब टू आर वीडियोस एंड डू हिट द लाइक बटन, ठीक है। सिमिलर कॉलेजेस की बात कर लें तो इसमें सिमिलर कॉलेजेस में VIT आएगा, मणिपाल का मेन कैंपस आएगा, SRM आएगा, सत्यभामा आएगा, तो ये सारे कॉलेजेस आएंगे। ये कहीं ना कहीं ये सारे कॉलेजेस जयपुर से अच्छे हैं क्योंकि पुराने भी हैं। बट अगर हम ब्रांचेस की बात करें तो अगर आपको इन कॉलेजेस में, इन कॉलेज में CS, IT, EC और थोड़ा सा मैं चलो मैकेनिकल भी ले सकता हूँ, बट मैं मैकेनिकल को फिर भी थोड़ा मना करूँगा। लेकिन अगर आपको CS, IT, EC मिल रहा है तो आप इन कॉलेजेस को प्रेफर करो, नहीं तो आप फिर इसमें CS, IT या कंप्यूटर एंड कम्युनिकेशन यहाँ पे प्रेफर करो, दैट इज़ बेटर, ठीक है। तो ये समझ लीजिए अच्छे कॉलेजेस की कहाँ तक जाना है हमको, CS, IT, EC तक जाना है। उसके नीचे की ब्रांचेस में अगर मैं जाने की कोशिश कर रहा हूँ तो इससे बेटर है कि मैं अच्छी ब्रांच लूँ जयपुर में। अगर हम डायरेक्टली कंपेयर करें तो ये ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी, बेनेट यूनिवर्सिटी, BML, NIIT, LPU, चितकारा, CU, इन सबसे आसपास आपको मणिपाल जयपुर मिलेगा। बट इसमें मैं ये डेफिनेटली कहूँगा कि मणिपाल जयपुर कैन बी सॉर्ट ऑफ बेटर देन LPU इन टर्म्स ऑफ बच्चे कम है, ठीक है, बेटर देन चंडीगढ़, बच्चे कम है मणिपाल जयपुर में। आपने अभी देखा कितने हज़ार बच्चे हैं मुश्किल से, LPU और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में आपको एक साल में तकरीबन 3-4 हज़ार बच्चे मिलेंगे, 3 से 4 गुना बच्चे मिलेंगे। तो डेफिनेटली ये LPU चंडीगढ़ से इस तरह से बेटर होगा। चितकारा के आसपास आप रख सकते हो, आप एक बार फीस कंपेयर कर लो। अगर आपको चितकारा में लेना है एडमिशन तो आप फीस देख सकते हो, फीस के बेसिस पे एक डिफ्रेंसिएशन हो सकता है, ठीक है। नहीं तो अगर आपको देखना है ग्राफिक एरा के आसपास ही आएगा, बेनेट से बेटर होगा, ये बेनेट से बेटर होगा, डेफिनेटली बेटर होगा बेनेट से। और BML के आसपास आ सकता है, लेकिन BML नया है, और NIIT के आसपास आ सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि ये तीन कॉलेजेस के बराबर मैंने रखूँगा और बाकी के LPU, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, चितकारा और बेनेट से मैं अच्छा रखूँगा। कल्चर की बात करें अगर यहाँ पे किस तरह के बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपको ज़्यादातर हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिनके पेरेंट्स के पास अपना बिजनेसेस है, मे बी विच हैव अ टर्नओवर ऑफ मोर देन 10 CR, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। आपको डॉक्टर्स के बच्चे मिल जाएंगे, तो आपको अच्छे खासे इसी तरह के लोग मिलेंगे, हाई सोशियो इकोनॉमिक ग्रुप से मिलेंगे। और पढ़ने में बच्चे मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि पढ़ने में आपको कोई बुरे मिलेंगे, तो इट इज़ गुड। एंड आपको स्टूडेंट्स ऑफ मेट्रो सिटीज मिल जाएंगे, आपको दिल्ली के मिल जाएंगे, आपको बड़े सिटीज से, नॉट नेसेसरली मेट्रो, बट आपको लखनऊ, दिल्ली, लखनऊ नॉट दैट बिग एज दिल्ली, बट आपको लखनऊ, दिल्ली, आपको कैपिटल सिटीज से यहाँ पे बच्चे मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं जो स्पेशल डाउट्स लोग बोलते हैं, ड्रग्स के बारे में बात करते हैं। तो मणिपाल के मेन कैंपस में मैंने ज़्यादा सुना है प्रॉब्लम उससे रिलेटेड है, बट यहाँ के कैंपस में मैंने इतना नहीं सुना है। तो आई कैन सेफली से कि यहाँ पे उतना इशू नहीं है ड्रग्स का, कैंपस बहुत अच्छा है। तो यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है, कैंपस लाइफ अच्छी है। दूसरी चीज़, मैनेजमेंट सीट, यहाँ पे मैनेजमेंट सीट्स आपको नहीं मिलेंगी, 10% सीट्स जो होंगी वो 12th के बेसिस पे चली जाएंगी, और वही आप एक तरह से समझिए मैनेजमेंट सीट है। अलग से पैसा देके यहाँ पे कोई इशू नहीं है ऐसा कि यहाँ होने वाला है। तो जो पेरेंट्स या स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉल वगैरह आ रहा है, तो आई वुड सजेस्ट कि इन सब मामलों में ना पड़िए, कोई इसका ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है।
प्लेसमेंट्स यहाँ पे हैं कि नहीं है, बिल्कुल यहाँ पे गुड प्लेसमेंट्स हैं, मैं बिल्कुल बोलूंगा अच्छे प्लेसमेंट्स हैं। इफ यू कैन अफोर्ड दिस काइंड ऑफ अ फीस जो आप दे रहे हैं 20-22 लाख की, क्योंकि देखिए अगर आप यूपी के भी टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो या फिर आप अपने किसी भी स्टेट के टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो कहीं ना कहीं ये है कि आपको यहाँ पे तो 10 लाख का खर्चा होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑलमोस्ट डबल हो जाता है खर्चा, तो वो आपको सोचना है, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा है अगर आपको कम से कम, अगर आप यहाँ पे पढ़ रहे हो तो आपको कम से कम इतना रखना है कि ठीक है मैंने यहाँ पे 20-22 लाख रुपए खर्च कर दिए, बट स्टिल आई शुड कीप एटलीस्ट 15 लाख रुपीज मेरे पास और होने चाहिए। बाई चांस मुझे MBA करना है या MS करना है या MTech करना है, तो मेरे को 15 लाख और चाहिए। तो अगर आप यूपी या किसी भी स्टेट के कॉलेज में, टॉप कॉलेज में पढ़ रहे हो, तो आपको 10 लाख तो सीधे से बचा लिया आपने, तो आपके पास एक पैसा वो बच गया। लेकिन अगर यहाँ पढ़ रहे हो तो आपको वो एक्स्ट्रा पैसा होना चाहिए। इनके वहाँ लैब्स वगैरह सब बहुत अच्छी हैं, नो डाउट इन्होंने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर खर्च किया है। दे जो भी जो इनके ओनर हैं, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, तो उन्होंने कोई भी पैसा बचाया नहीं है। इट्स नॉट जस्ट सॉर्ट ऑफ अ बिजनेस जो करते हैं लोग कि भाई हमने बस लगा दिया और हमें बस पैसा चाहिए, ये नहीं, अच्छी फैसिलिटीज़ दी गई हैं। और यहाँ पे कंप्यूटर कम्युनिकेशन बिल्कुल लिया जा सकता है, बहुत ही अपकमिंग फील्ड है। अगर आपको रिसर्च में जाना है या आपको US जाना है आगे फर्दर स्टडीज़ के लिए, बिल्कुल लीजिए। MBA भी करना है तो भी आप ले सकते हैं, और जॉब भी आपको चाहिए तो जॉब भी इससे मिल जाएगा, तो तीनों चीज़ें कवर्ड हैं, इट इज़ नॉट दैट मच ऑफ अ प्रॉब्लम। सो ओवरऑल एक देख लिया जाए तो 84 इसकी रैंक है, फीस तकरीबन इसकी 22 लाख के करीब इसकी फीस है, प्लेसमेंट्स इसके 4.5 लाख का मीडियन है, और तकरीबन 75% प्लेसमेंट है इसका, विच इज़ गुड, टॉप कॉलेजेस के नहीं होते हैं। कट ऑफ आप मान के चलिए कि अगर आप 5000+ रैंक ला रहे हो, 5000+ रैंक ला रहे हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा फिर आप CS या IT मणिपाल जयपुर में ले लीजिए। फैकल्टी इनकी अच्छी मानी जाएगी, गुड फैकल्टी मानी जाएगी, कंपेयर टू एनी ऑल, अगर मैं सबका कंपेरिजन करता हूँ तो अच्छा लिया जाएगा। जब आप कोई भी कॉलेजेस ले रहे हैं, जब आप अगर आप ग्राफिक एरा आपकी लिस्ट में है, अगर आपका NIIT आपकी लिस्ट में है, BML मुंजाल आपकी लिस्ट में है, तो फिर ये भी आपके लिस्ट में होना चाहिए। अगर आप इतने पैसे खर्च कर रहे हैं तो फिर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। अगर आपके बेनेट आपके लिस्ट में है तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं, प्लस आप इसको एक सेफ ऑप्शन लेके चल सकते हैं, वो आपको एक अच्छी चीज़ देगा, ठीक है। ओके, थैंक यू वेरी मच, एंड डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल।